Okay, my dear student, how are you? I hope you all will be fine. Today we have going to discussion about the two important things. What? Haloalkane and haloarene. Those are topic is come under the organic chemistry of class 10th. First of all, we would know about what actually the inorganic and what actually the organic. Inorganic chemistry. And second one, what beta? Organic chemistry. First of all, we would need to understand those things what actually this, okay? आप देखिए, first this is the inorganic chemistry. Inorganic chemistry means those chemistry which have no carbon compounds reaction. ऐसे केमिस्ट्री जिसमें कार्बन कंपाउंड के रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, ऐसी केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कही जाती है. एंड सेकेंड वी हैड व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड मर्ज टुगेदर एंड बिकम व्हाट? हाइड्रोकार्बन. एंड रिलेटेड टू द हाइड्रोकार्बन रिएक्शन इट्स कम अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई होप यू अंडरस्टूड वेल बोथ व्हाट एक्चुअली द बोथ inorganic and what is the difference between inorganic and organic chemistry. So haloalkanes and haloarene both are come under the organic chemistry, it is not come under the inorganic chemistry. So haloalkane and haloarene we would discuss in the organic chemistry part of class 12th. Okay, so let's look. So when discussion of haloalkane and haloarene, we would also involve what was the content, what will the content of haloalkane and haloarene. This first of all we would know about the some introduction what actually the haloalkane and haloarene. After that we would classify of both things haloalkane and haloarene, then nomenclature of haloalkanes, and last one what preparations method of haloalkane and haloarene. इन चारों के बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, सेकेंड वन इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, थर्ड वन इनके नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, और फोर्थ वन प्रिपरेशन मेथड देखेंगे दोनों को बनाया कैसे जाता है. ओके, कभी भी अभी बीच में यदि आपको कोई डाउट होते तो प्लीज़ कॉमेंट करिए. ओके, सो फर्स्ट वी वुड नो वॉट इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, वॉट एक्चुअली द दोज. सो हम यहाँ से इसको रफ कर दे रहे हैं बेटा, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. आप ये दो चीज़ें एक जैसे देख रहे होंगे, क्या लिखे हैं ये दोनों? हेलो. हेलो मीन्स हेलोजन यूनिट. व्हाट बेटा? हेलो मीन्स व्हाट? हेलोजन यूनिट. हेलोजन यूनिट और हेलोजन एलिमेंट. ओके, और एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट. हेलोजन एलिमेंट किनको बोला जाता है? पेरियोडिक टेबल, मोस्टली के पेरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? हेलोजन यूनिट और हेलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं. सच एस, इसको एक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कौन कौन से हो सकते हैं? मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एज दीज आर द वेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट एज वेल. ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट भी हैं, और ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन यूनिट या हेलोजन एलिमेंट्स कहे जाते हैं, हेलोजनेटेड एलिमेंट कहे जाते हैं. तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं, हेलो, हेलो अगेन. तो बोथ आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ? दोनों के मतलब क्या है? हेलोजन यूनिट होंगे, हेलोजन एलिमेंट होंगे, और इन एलिमेंट में ग्रुप नंबर 17 के तत्व, जो कि पेरियोडिक टेबल, मोस्टली पेरियोडिक टेबल से ग्रुप नंबर 17 के तत्व क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है. नाउ एंड दिस इज व्हाट एल्केन एंड एरिन. व्हाट इज एक्चुअली एल्केन एंड एरिन? एल्केन मीन्स द मिक्सअप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द मिक्सअप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. C2H6 मीन्स एथेन. वॉट? एथेन. दिस इज व्हाट इज द नेम बेटा? एथेन. एथेन इट्स कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोकार्बन. वन काइंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन. सेकेंड एग्जाम्पल CH4 मैथेन. मैथेन
इट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन. थर्ड वन इट इज वॉट, प्रोपेन. प्रोपेन प्रोपेन इट इज ऑल्सो वॉट, वन काइंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन. आपको इनका नोमेनक्लेचर हम बाद अभी पढ़ेंगे, लेकिन 11th में आप ये सारे चीज़ें पढ़ चुके हो कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर कैसे इनके नोमेनक्लेचर डिसाइड किए जाते हैं. कुछ याद आया? एथ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, नॉक्ट, कुछ याद आया? नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पर भी डिपेंड करता है कि इसका एक्चुअली नाम क्या होगा. क्या एन लगेगा, एथेन होगा, क्या एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. इसमें देखिए C2H6 एथेन. एथेन क्यों बोले हम? जब एन लगाना हो हमें किसी यूनिट में, एन लगाना हो, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+2. क्या मतलब हुआ? जितने नंबर ऑफ कार्बन, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे हो सकते हैं. कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि ये इसका नाम मैंने एथेन क्यों बोला, नंबर ऑफ कार्बन ये यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन मतलब कि n का क्या वैल्यू हो गई, 2 हो गया. यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2. हाइड्रोजन क्या कैसे डिसाइड होंगे, यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ क्या है बेटा, 6. मीन्स हाइड्रोजन की वैल्यू कैसे डिसाइड होगा, 2 करके मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ कार्बन में 2 है, तो 2 के मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इसके साथ में ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएगी, C2H2 2 4 4 और 2 6. मीन्स ये क्या हो गया, एथेन हो गया. एथेन सेम काइंड ऑफ दिस व्हाट, ये प्रोपेन. प्रोपेन वाई डबल से, नंबर ऑफ कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हैं. यही चीज़ हमने इसके फार्मूले में लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा होंगे तो हम एल्केन यूज़ करेंगे. ठीक है, तब इनका नोमेनक्लेचर आपको आ जाएगा. जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उससे हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होता है. ओके, यस. नाउ हम बात करते हैं आप किसकी, एरीन की. क्या मतलब है एरीन की, व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ एरीन, लाइक बेंजीन स्ट्रक्चर. व्हाट बेंजीन स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो व्हाट, वन काइंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन. हाउ, आपको पता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर पे डबल बॉन्डिंग एंड डबल बॉन्डिंग. बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, C6 और H6 होता है, यानी कि हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा. तो ये एक तरीके का क्या है, एरीन है. लेकिन कभी भी इनके साथ में क्या लग जाए, कहीं भी कॉर्नर पे Cl लग जाए, Cl क्या है आपका, हेलोजन यूनिट है. तो हेलोजन यूनिट यदि एरीन के साथ में कहीं अटैच्ड होती है तो ये हेलो एरीन बन जाता है. सेम काइंड ऑफ सेयर व्हाट, मेथेन के साथ, सॉरी, इसके साथ में मेथेन के साथ में यदि हम हेलोजन यूनिट, यस, इसमें हम देख रहे थे हेलो एल्केन. हेलो एल्केन क्या, इसको इससे शो कर किया जाता है ये हेलो एल्केन है, जहां R किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है. R के प्लेस पर हम हाइड्रोकार्बन का लिखेंगे, CH3 यानी कि मेथिल यूनिट को लिखेंगे, जहां कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हों और ये दोनों कंपाउंड फॉर्म में बनाने के बाद जो है क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं. एक्स क्या है, ये हेक्स जो है हेलोजन यूनिट है, ग्रुप नंबर 17 के तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में भी. ओके, ये हो सकते हैं. तो कोई भी हाइड्रोकार्बन से जब हेलोजन यूनिट जुड़ा होता है तो वह क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं. सेकेंड हमारे पास क्या है, हेलो एरीन. हेलो एरीन कैसे बनाएंगे, ये सिंपल सा बेंजीन का स्ट्रक्चर हेलो कहलाता है, एरीन कहलाता है. लेकिन इसमें जब कोई हेलोजन का एक यूनिट जुड़ जाए, सच एस क्लोरीन हो गया, ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्लोरीन ही हो, वो ब्रोमीन भी जुड़ सकता है और आयोडीन भी जुड़ सकता है. तो ऐसे स्थिति में इसको क्या बोला जाता है, हेलो एरीन बोला जाता है. तो हमने क्या क्या चीज़ें आज इंट्रोडक्शन में देखी, हेलो का मतलब हेलोजन यूनिट होता है, एलिमेंट होती है जिसमें ग्रुप नंबर 17 के तत्व लिखे जाते हैं, जिसको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं. एल्केन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड बना हो, सच एस एथेन, सच एस मेथेन एंड सच एस प्रोपेन. दीज आर द व्हाट, एल्केन. एंड एरीन मीन्स क्या होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर क्या है, हेलो एरीन है. और यदि हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो ये हो जाएगा C6H5Cl. जी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये हेलो एरीन है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. ठीक है बेटा, गुड. यस,
न्यू हेडिंग डालिए और लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्लासिफिकेशन क्या लिखेंगे क्लासिफिकेशन में? हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये क्या है हाइड्रो देन कार्बन। हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, ये हेलो एलेन एल्केन और हेलो एरेन इसके अंडर आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ से दो टाइप्स में क्लासीफाई करिए। फर्स्ट क्लास को बोला जाता है एलिफैटिक, क्या बोलते हैं बेटा एलिफैटिक, ये इंट्रोडक्शन में आते हैं ना एलिफैटिक। एंड सेकेंड वन को क्या बोला जाता है एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक। क्या मतलब हुआ इनका? एलिफैटिक मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कि ओपन होंगे, एरोमेटिक मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो क्लोज होंगे। सच एस बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर यदि हमें देखने को मिले तब वो एरोमेटिक के अंडर आएगी, और यदि हमें देखने को मिले सिंपल CH3 और Cl जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले तो वो किसमें हम आएंगे एलिफैटिक में इसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ एलिफैटिक के फिर से दो आपके पास में क्लासिफिकेशन होते हैं, इनको बोला जाता है सैचुरेटेड एलिफैटिक, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको आप सिंपल से लिख दीजिए ए और एच सी, हो गया सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और सेकेंड वन क्या होता है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वॉट ए एच सी, क्या अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले समझ लेते हैं सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके बाद हम देख लेंगे अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सबसे पहले देखिए सैचुरेटेड वाले में एल्केन को रखी गई है। क्या मतलब वो एल्केन? एल्केन को इसलिए रखी गई है क्योंकि एल्केन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड को शो करता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर में दो शामिल हैं कौन कौन से, एल्केन और सेकेंड वन व्हाट एल्केन एंड एल्काइन। ठीक है एल्केन एंड एल्काइन, जहां आप सो बता सकते हो दूसरी डिफरेंसेस क्या है इसके बेसिस पर। ये सिंगल बॉन्ड शो करता है हमेशा, दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड शो करता है, और ये एल्केन जो है किसने डबल बॉन्ड शो करेंगे, और इसके बाद में जो एल्काइल है ये कितना ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। तो जब कभी भी दो हाइड्रोकार्बन यानी कि जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वो किसके अंदर में आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में आएंगे। सच एस एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, कैसे CH3 then CH3, हो गया ये किस तरीके एक तरीके का एल्केन है और ये सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है दूसरा आप इसमें देख लीजिए हेलो एल्कीन का, तो आ जाएगा CH2 डबल बॉन्डिंग CH2, ये क्या है एक तरीके के नाम नेमिंग क्या है इसका, एल्कीन है। क्यों एल्कीन है? डबल बॉन्ड को शो कर रहा है इस वजह से एल्कीन है, और एल्काइन में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बेटा, तो एल्केन और एल्काइन को किसके अंडर हम स्टडी करते हैं, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंडर में, और एल्केन को जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको किसके अंडर हम स्टडी करते हैं, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर में। ठीक है अब मिटा दें बेटा, यहां तक आप नोट कर लिए हो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देख लेते हैं एरोमेटिक क्या है। ठीक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हमने अभी तक एलिफैटिक के बारे में डिस्कशन किया था, तो मैं इधर का मिटा दूं, स्पेस नहीं मिल पाएगा उधर, चलो मिल जाएगा देख लेते हैं। एरोमेटिक मीन्स हो जाएगा बेंजीन स्ट्रक्चर, दिस वन, और इसको कैसे लिख सकते हो, दिस वन, दिस एंड दिस, दीज आर कम अंडर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके बेंजीन अकॉर्डिंग टू द हकल रूल,
हो गया। अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू द हकल रूल की, अकॉर्डिंग टू द हकल रूल्स, हकल रूल्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन बेंजीन में, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, जिसमें 4n+2 क्या रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं, साथ ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कैसे, आपको पता है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में बनते हैं। तो देखिए कितने बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन एक बेंजीन में रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन और इसके विस्तृत, ये तो कॉमन चीज़ें थी जो आपको 11th में जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, रोमन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच के बेसिस पर, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड, यानी कि हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ हेलोजन क्या है, अटैच है, इसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ चीज़ों को एक पर्टिकुलर प्लेस दिया जाता है, पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग थॉट्स और तरीके हो सकते हैं, उसमें से हम फर्स्ट वाला तरीका अपना रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन होगा उसमें कितने नंबर में हाइड्रोजन है, वो हेलोजन जो है अटैच्ड है, उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले बात क्लासिफाई करेंगे हेलो एल्केन के बेसिस पर, उसके बाद हम अटैच करेंगे किसमें, हेलो एरिन में। तो देख लेते हैं ये किसके लिए है, हेलो एल्केन के लिए है, हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन का ऐसा यूनिट जिसमें हेलोजन जुड़ा हो, तो उसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितने जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, बताई जाती है। जैसे CH3, ये क्या है बेटा, CH3 एक तरीके का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यदि सिंपल तौर पर ये क्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन यूनिट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का क्या मतलब हुआ, एक, हेलो का क्या मतलब हुआ, हेलोजन यूनिट, और एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन के साथ में, हाइड्रोकार्बन के साथ में एक हेलोजन यूनिट क्या हो, अटैच्ड हो। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्लोरीन की नंबर क्या है, एक है, इसी वजह से ये क्या है, किसके अंदर आती है, मोनो हेलो एल्केन्स बोले जाते हैं। कुछ होते हैं डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन में कैसे होंगे आप बताइए, डाई हेलो एल्केन में जो है नंबर ऑफ हेलोजन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। कैसे, नंबर ऑफ हेलोजन 2 रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये आप जो है इसको ऐसे लिखिए H2C देन 1 क्लोरीन हेयर एंड सेकेंड क्लोरीन हेयर। ये क्या है, ये एक तरीके का डाई हेलो एल्केन है। क्यों, क्योंकि हेलोजन यूनिट कितने हैं, 2 टाइम्स है, यानी कि 2 हाइलोजन यूनिट जो है सिंगल हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए हैं। इसका एक पर्टिकुलर नेमिंग भी है, यदि ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो इसको पर्टिकुलर नेम भी दिया गया है, जहां क्या होते हैं, पर्टिकुलर नेम दिया गया है जहां क्या है, 2 हाइलोजन यूनिट किसी एक ही हाइड्रोकार्बन यूनिट से या सिंगल कार्बन से जुड़े हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, जैम डाई हैलाइड्स बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है, जैम डाई हैलाइड्स बोला जाता है ये स्ट्रक्चर को, ठीक है, हैलाइड्स बोला जाता है, ठीक है। और 30 इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ये होंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन 1 क्लोरीन हेयर एंड सेकेंड क्लोरीन हेयर, ये भी एक तरीके का क्या है, डाई हेलो एल्केन ही है। लेकिन इसकी ये यूनिट जब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 अलग अलग हाइड्रोकार्बन के साथ में दो अलग अलग हाइड्रोकार्बन के साथ में 2 हेलोजन यूनिट जुड़े हुए हैं, सेम कैटेगरी के भले हों लेकिन जुड़े तो हुए हैं दोनों अलग अलग कार्बन के साथ में। इसमें डिफरेंसेस क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एक है और दोनों हेलोजन यूनिट किसी एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी यूनिट क्या कहलाती है, जैम डाई हैलाइड्स कहलाती है। और ऐसे ही स्ट्रक्चर यदि देखने को मिले जहाँ 2 कार्बन के साथ में 2 हेलोजन यूनिट जुड़े हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है,
व्हाट क्या बोला जाता है, वेसनाइल डाई हैलाइड्स बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर नेमिंग देते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेसनाइल डाई हैलाइड। ओके, यस, वेसनाइल डाइल हैलाइड बोला जाता है ये सिंपल से स्ट्रक्चर को। एक कंडीशन और हमारे साथ आ सकती है, क्या कौन सा, जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड नंबर यहाँ लिख लीजिए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको बोला जाएगा ट्राई हेलो एल्केन का क्या मतलब हुआ, एल्केन के साथ में नंबर आपका वो क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एल्केन के साथ में जो हेलोजन यूनिट है वो तीन जगह से जुड़ी हो, एल्केन के साथ में हाइड्रोजन यूनिट कैसे जुड़ी हो, तीन जगह जुड़ी हो। जैसे आप समझ लीजिए CH सिंगल बॉन्ड CH, तो ये हो जाएगा एक इधर क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन हेयर, कितने हो गए, एक दो तीन और चार खुद का, और एक सॉरी ये CH है और एक जो है आप किसके साथ में जोड़ दीजिए, इसके साथ में जोड़ दीजिए क्लोरीन, इसको टू कर देना है। ठीक है, क्या है यहाँ क्लोरीन दो यूनिट जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन, देखिए इसके चार, आपको पता है कि इसकी बैलेंसी चार होती है, जिसमें से एक इसके साथ बना रहा बॉन्ड, एक इसके साथ, इसके खुद के दो के हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन के साथ बना बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ में, तो CH क्लोरीन कितने हैं यहाँ, तीन है, क्लोरीन कितने हैं यहाँ, तीन है। तो ऐसी स्थिति में तीन क्लोरीनों जब बनते हैं, तो तीन क्लोरीन जब एक साथ जुड़े हों किसी के हाइड्रोकार्बन से, तो ट्राई हेलो एल्केन बनाते हैं। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो CH क्लोरीन क्लोरीन देन क्लोरीन, ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। तो आपने देखा जो नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, तो हेलोजन में मोनो हेलो एल्केन बनते हैं, डाई हेलो एल्केन बनते हैं और ट्राई हेलो एल्केन बनते हैं। इनको इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। मोनो हेलोजन हेलो एल्केन में क्या है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके साथ में एक ही हेलोजन यूनिट जुड़ी हो, तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोला जाता है। डाई हेलो एल्केन क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन में एक ही डाई हेलो एल्केन में हाइड्रोकार्बन के साथ में दो हेलोजन यूनिट जुड़े हों, जैसे कि ये एक सिंगल कार्बन के साथ में दो हेलोजन यूनिट जुड़े हों, तो इसको डाई हेलो एल्केन बोला जाता है। और ये भी है डाई हेलो एल्केन, लेकिन पर्टिकुलर यदि स्ट्रक्चर ऐसा हो तो इसको इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड्स, और इस स्ट्रक्चर के दो अलग अलग कार्बन के साथ में जब हैलाइड्स हेलोजन ग्रुप जुड़े हों तो इसको वेनेसिलियल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। और ट्राई हेलो एल्केन की स्ट्रक्चर क्या होगी, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके साथ में जो हेलोजन यूनिट है वो किसके तीन जगह से जुड़ी हुई है, तीन प्लेसेस पर जुड़ी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हेलो एरीन में मोनो हेलो एरीन कैसे बनते हैं, डाई हेलो एरीन कैसे बनते हैं और ट्राई हेलो एरीन कैसे बनते हैं, देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम इसको, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हेलो एल्केन जो है कैसे फॉर्म होते हैं, जब नंबर ऑफ हैलोजन अटैच कितने होते हैं कोई हाइड्रोकार्बन में, तो कैसे एल्केन बनते हैं, और मोनो हेलो एल्केन किसको बोला जाता है, डाई हेलो एल्केन किसको बोला जाता है और ट्राई हेलो एल्केन किसको बोला जाता है, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब हम देखेंगे किसके बेसिस पर हेलो, सॉरी इसमें तीन चीज़ें देखेंगे, किसमें एरीन में, किसमें हेलो एरीन में तीन चीज़ें देखेंगे, कि जिसी तरीके से हमने हेलो एल्केन में देखा था उसी तरीके से हेलो एरीन में हम भी तीन चीज़ें देखेंगे। वो तीन होंगे कौन कौन से, मोनो हेलो एरीन होगा, मोनो हेलो एरीन कैसे बनेंगे थोड़ी देर देखते हैं। सेकेंड बनेगा क्या, डाई हेलो एरीन बनेगा सेकेंड। थर्ड क्या बनेगी, ट्राई हेलो एरीन बनेगा, ठीक है, ट्राई हेलो एरीन बनेगा। ठीक है बेटा, अब तीनों के स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगी। आपको पता है एरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाइए, दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर। यहां डबल बॉन्डिंग कहां होगी, एक यहां रहेगा तो एक को छोड़कर के दूसरा यहां रहेगा, इसको छोड़िए तीसरा यहां रहेगा। ऐसी स्थिति में जब किसी एक कॉर्नर पे, बेंजीन के किसी एक कॉर्नर पे एक क्लोरीन क्या हो, अटैच हो जाए, क्लोरीन ही क्यों,
ब्रोमीन आयोडीन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन इस वजह से क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं जहाँ हेलो का मतलब हेलोजन यूनिट है, इसी वजह से यह नंबर ऑफ 17 ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट ही यहाँ क्या होंगे अटैच होंगे। यदि ये बेंजीन के किसी एक कॉर्नर पे केवल एक ही हेलोजन यूनिट अटैच हो रहा है तो इसको हम मोनो हेलो एरिन बोलते हैं। सेकेंड वन देखिए, यदि बेंजीन स्ट्रक्चर पर के किसी दो जगह पर, क्या बोल रहा हूँ, बेंजीन स्ट्रक्चर के किसी दो जगह पर, जैसे एक क्लोरीन यहाँ हो गया दूसरा क्लोरीन यहाँ हो गया, दो कॉर्नर पे यदि हेलोजन यूनिट जुड़ी हों किसी बेंजीन स्ट्रक्चर पर तो वो क्या कहलाते हैं, डाई हेलो एरिन कहलाते हैं। लेकिन इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, ट्राई हेलो एरिन। ट्राई हेलो एरिन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बेटा, बेंजीन बनाइए आप, बेंजीन बनाने के बाद में बॉन्ड लगाइए और बॉन्ड बेंजीन के किसी तीन हिस्से में क्या रहे, हेलोजन यूनिट क्या हो, जुड़े हों। एक हो सकता है क्लोरीन यहाँ, सेकेंड क्लोरीन यहाँ और थर्ड क्लोरीन यहाँ कर दीजिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ट्राई हेलो एरिन का स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसा है ये, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे मोनो हेलो हाइब्रिडाइजेशन के कंपेरिजन में, ठीक है। इसको मिटा दें, आपको समझ में आया है, यस। देखते हैं या ये एक के बेसिस पर था, नंबर ऑफ हेलोजन कितने नंबर है हेलोजन में अटैच है उसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब दूसरा हम देख लेते हैं, ये पहले जरूरी है इसी वजह से इसको पढ़ना जरूरी था, ठीक है। अब हम देखते हैं मोनो हेलो हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, मोनो हेलो हाइब्रिडाइजेशन, क्या है बेटा मोनो हेलो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो Yes. क्या है इसके बेसिस पर कैसे देखेंगे कौन सा हाइड्रो हाइब्रिडाइजेशन है कोई भी हेलो मोनो हेलो में, तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे एक मेथेन लीजिए, मेथेन का क्या है सी अपवर्ड डाउनवर्ड एंड लेफ्ट एंड साइड हाइड्रोजन ये एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, जहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड चारों ही दिशाओं में, चारों ऑल डायरेक्शन पर क्या शो हो रहा है, सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है, तो यहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होगा, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है, जब दूसरा हाइड्रोकार्बन लेंगे आप CH2 देन डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा sp2, ठीक है। और यदि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ऐसी स्थिति में ट्रिपल बॉन्ड CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी, जब कार्बन के चारों ऑल डायरेक्शन पे यदि सिंगल बॉन्डिंग हो तो ऐसी स्थिति में sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं, ठीक है। तो मिटा दें इसको, इसकी बेसिस पर हम इसको तीन स्थिति में क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन कंडीशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं मैं वही चीज बताने जा रहा हूं कि sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनते हैं, वही स्थिति को बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको तीन भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, ये होगा एल्किल हैलाइड, कैसे बनेंगे देखेंगे हम, एल्किल हैलाइड। सेकेंड वन हम देखते हैं किसका, एलिल हैलाइड कैसे बनेगा देखेंगे, हैलाइड। और थर्ड वन क्या है बेटा, ये है बेंजाइल हैलाइड ओके। वेन सो लेट्स लुक वन बाई वन वॉट एक्चुअली द एल्काइल हैलाइड, सेकेंड वन एलाइल हैलाइड एंड थर्ड वन इट इज दैट वॉट बेंजाइल हैलाइड वॉट एक्चुअली द दिस ओके। सो लेट्स लुक, जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो एल्काइल हैलाइड में ऐसे हाइड्रोकार्बन और हैलोजन के बीच में जब सिंगल बॉन्डिंग हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि
आर एच एक्स। आर एक्स क्या है, आर जो है हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है और एक्स हेलोजन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल हम लिखिए सी एच थ्री सी एल। इस यहाँ कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि सिंगल बॉन्ड में एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ये क्या है एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड में क्या है, डबल बॉन्डिंग में एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये कैसे हो जाएगा, एस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू यूनिट हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ अप डबर्ड एंड डाउन टूवर्ड, एंड इधर हेलोजन यूनिट जुड़ी हो। मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड वाला है मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और ये डबल बॉन्डिंग है ये, तो ये किसके शो करेगा sp2 शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ऐसा जिसमें सिंगल बॉन्ड के जस्ट दूसरे वाला एलिमेंट जो क्या हो डबल बॉन्डेड वाला हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और आपको ऑलरेडी पता है कि सिंगल बॉन्ड वाला sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तीसरा क्या है आपके सामने, बेंजील हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। बेंजील बेंजाइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए सबसे पहले, आपको देख पा रहे होंगे कि बेंजीन में हर एक इसमें क्या है डबल बॉन्डेड रहते हैं, तो डबल बॉन्डेड को तोड़ने के लिए आप किसी एक जगह पर कार्बन को ऊपर ले जाकर के अटैच करिए, और इसके तीन हिस्से में क्या, इसके तीन हिस्से में कार्बन के तीन हिस्से में, क्योंकि एक है, क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के साथ ये बॉन्डेड बनाते हैं। सबसे पहले ये बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, दूसरा क्या है एक हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा हाइड्रोजन के साथ में, तीसरा नंबर क्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्ट्रक्चर यदि आपको देखने को मिले तो वो क्या है, एंजाइल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर है। तो हमने क्लासिफिकेशन के दो रूल्स देखे, वह था नंबर ऑफ हैलोजन अटैचमेंट के बेसिस पर कि नंबर ऑफ हैलोजन कितने यूनिट, ऐसे हैलोजन यूनिट हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको हमने क्लासिफाई करके देखा। दूसरा हमने देखे हैं किसके, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कि इनके नेमिंग कैसे होते हैं और किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हमने देखा एस पी थ्री एस पी टू एन एस पी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियोस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन इट्स रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ओके माय फ्रेंड्स, सो आप सब बने रहिए और थैंक यू सो मच।